वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पाइथन को बहुत अच्छे से रीड कर रहे थे, लेकिन किसी ने बीच में एक लड़के ने कमेंट करके पूछा कि सर हमें डिजिटल क्लॉक बनवाना है, तो चलिए उसी को आज डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने क्वेश्चन किया है तो मुझे तो आंसर करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखूंगा मैक क्लॉक, ठीक है, .py ऑटोमेटिक ये लेते था। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये कोई काम का नहीं है हमारे फिलहाल में, छोटा हो जा भाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस लेक्चर में एक डिजिटल क्लॉक प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे करते हैं, आपको टीके इंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा अपने सिस्टम में या अपने प्रोग्राम में। क्यों, टीके इंटर एक मॉड्यूल है जिसकी मदद से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हम गेम की विंडो प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट की फर्स्ट जो पेज होता है उसको ड्रॉ करना चाहते हैं, या यूजर से रिलेटेड जो भी हम इंटरफेस एक प्रिपेयर करते हैं सामने वाले क्लाइंट को दिखाने के लिए, वो सारी चीजें हम टीके इंटर मॉड्यूल की मदद से करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, फ्रॉम टीके इंटर इसको इंपोर्ट करेंगे हमारे सिस्टम में, या अपने प्रोग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहां पर लिखना है इंपोर्ट के बाद स्टार। अब ये स्टार का क्या मीनिंग होता है, स्टार का मतलब होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में कि आप उस मॉड्यूल की सारी चीजें अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम स्टार का यूज करते हैं। अगर स्टार नहीं लिखते तो वहां पर हमें पर्टिकुलर कोई काम जो हम करने वाले हैं, जैसे हमें गेम की विंडो प्रिपेयर करना है, तो उससे रिलेटेड जो चीज होगी हमारे मॉड्यूल के अंदर उसका नाम लिखना होगा। लेकिन स्टार का मतलब होता है कि उस मॉड्यूल की सारी चीजें हमारे प्रोग्राम में आनी चाहिए। एक लाइन और यहां पर लिखते हैं, फ्रॉम टीके इंटर डॉट, और एक टीटीके करके होता है ना, टीटीके। अब ये क्या करेगा, ये भी सेम वहां से जो भी हमें रिलेटेड मॉड्यूल्स के अंदर की फाइल्स चाहिए होगी तो वो हमें लाकर देगा, ये टीटीके। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमें डिजिटल क्लॉक प्रिपेयर करना है तो हमें टाइम को भी लाना होगा, तो हम टीटीके से ले लेंगे ना, वो फ्रॉम टाइम हमें चाहिए, इंपोर्ट कर दो हमारे सिस्टम में किस से। अब यहां पर एक आता है strf टाइम, ये क्या करता है, आपको टाइम ला के देगा प्रेजेंट का, मतलब अभी जो टाइम है आपके सिस्टम में वो वाला टाइम ला के देगा, ना कि कोई और। मतलब अगर आपके फ्रेंड के सिस्टम में अलग टाइम है और आपके सिस्टम में अलग टाइम चल रहा है, तो वो दोनों प्रोग्राम अपने खुद के लोकल सर्वर मतलब लोकल सिस्टम का टाइम गेट करेंगे, ना कि कहीं और का। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, एक रूट नाम का यहां पर वेरिएबल बना लेते हैं, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, और मैं यहां पर क्या करता हूं टीके को ले आता हूं, ठीक है, जो हमारे टीके इंटर है। इसको लाकर हम क्या करेंगे, उसका टाइटल देना होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक गेम बनाया था, आप लोगों को पता हो तो हमने यहां पर एक गेम बनाया था, बेसिक साइज ने गेम बनाया था, लेकिन उसमें एक टाइटल डिसाइड किया था, तो वो टाइटल हमें यहां भी देना होगा, क्योंकि हम यहां पर क्या बना रहे हैं, एक डिजिटल क्लॉक बना रहे हैं, तो उसका भी टाइटल देना होगा ना, तो रूट डॉट टाइटल, ये टाइटल आ गया। अब इसमें हमें एक स्ट्रिंग पास करना होगा, मान लीजिए जो भी आपको क्लॉक का नाम देना हो, मैं यहां पर देता हूं क्लॉक, और अपने चैनल का नाम कोडेट विद अजय, आप यहां पर लिख सकते हैं क्लॉक और आपका नाम, ताकि आप जिसको भी ये फाइल शेयर करोगे .exe में कन्वर्ट करके, याद रखिए कभी भी किसी प्रोजेक्ट को या फाइल को .exe में कन्वर्ट करके ही सेंड किया करें। कैसे करना है वो हम आपको चैनल पर यहां पर बता चुके हैं, देखिए अगर आप चैनल पर जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगी एक फाइल जिसमें हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। .exe कहां पर गई, ये नीचे लोड हो रहा होगा शायद, बहुत नीचे चली गई क्योंकि हम बहुत स्पीड से, ये रहा पाइथन फाइल को कैसे .exe फाइल में कन्वर्ट करना है, ये हमने यहां पर बहुत अच्छे से बताया। अब वहां जाकर किसी भी फाइल को .exe में कन्वर्ट करें, देन सेंड करें। हम क्या करते हैं, यहां पर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि हम कहां पर कौन सी कोडिंग कर रहे थे, इम्पोर्ट वॉल मॉड्यूल्स। हमने आपको पहले ही बताया कि कमेंट करने से क्या होता है, आपकी प्रोग्रामिंग स्टाइल इंप्रूव होती है। हम यहां पर क्या करेंगे, इंपोर्टिंग एसटीआरएफ टाइम, ठीक है, फंक्शन टू रिट्रीव टाइम, ठीक है, इसको भी यहां पर कमेंट कर देंगे, ताकि आपको पता रहे जब आप 15 दिन 20 दिन बाद भी अगर देखेंगे तो आपने ये फ्रॉम टाइम इंपोर्ट एसटीआर टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि आप अपने सिस्टम का लोकल का टाइम इंपोर्ट करना चाहते हैं ना। हमने यहां पर सिस्टम नहीं लिखा है, सॉरी, हम यहां पर लिख देते हैं रिट्रीव सिस्टम टाइम,
ताकि आपको पता रहे कि ये जो टाइम ला रहा है वो आपके खुद के सिस्टम का है, किसी और सिस्टम का नहीं है। और यहां पर लिख देते हैं क्रिएटिंग और टिक एंटर। विंडो हमने यहां पर क्रिएट किया ना, तो यहां पर लिख देते हैं विंडो। ये अगर 10 साल बाद भी आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपने यहां पर ये कोड क्यों लिखा है, क्योंकि आपने यहां पर एक विंडो क्रिएट की। अब क्या करना है, आपको आपकी जो भी लेबल आएगा स्क्रीन पर उसकी स्टाइल भी सेट करना होगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक सॉरी लेबल नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, अपना जो फॉन्ट डिजिटल क्लॉक आएगी ना स्क्रीन पे, जो यूजर है या हमारे क्लाइंट को शो होगी, उसको किस टाइप से दिखाना है वो हम यहां पर करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेबल और इसके अंदर हम उसकी स्टाइलिंग करेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, रूट को ले लेते हैं क्योंकि हम उसको पहले यहां पर डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, रूट के बाद हम क्या करेंगे, उसका फॉन्ट लेंगे। अब ये फॉन्ट साइज आप अलग अलग ले सकते हो आपके हिसाब से। मैं क्या करता हूं यहां पर, जो एक फॉन्ट साइज की मैंने यहां पर एक फाइल डाउनलोड की है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आपको इस फाइल का नाम लिखना है, जो भी उसका फाइल का साइज होगा उसके हिसाब से वो आ जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूँ, डीएस और उसका नाम पूरा क्या था मैं भूल गया हूँ, डिजिटल, ठीक है लिख लेते हैं। इरर देगा तो मैं बाद में सॉर्ट आउट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल कॉमा करके उसका साइज। अब आपको साइज क्या लेना है आपके हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर लेता हूं 40। ठीक है, देन ये होने के बाद हमको डिजिटल क्लॉक का बैकग्राउंड देना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सॉरी बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड में हम क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड का कलर असाइन कर देते हैं पहले। तो मैं चाहता हूं कि अपनी जो भी क्लॉक होगी वो ब्लैक कलर की दिखेगी। ठीक है, उसका मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होगा। देन एक यहां पर क्या करते हैं फॉर आई एक वेरिएबल और बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, उसका कलर लिख देंगे कि किस कलर से हमारे जो साइकिल होगी वो आएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सियान कलर से। ठीक है, ये हमारी क्लॉक का कलर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्लॉक अगर एक साइड आ रही है या राइट कॉर्नर पर आ रही है तो हमें इश्यू होगा उसे देखने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको एक कम पैक कर देते हैं और पैक करके क्या करते हैं, सेंटर में इसको असाइन कर देते हैं, ताकि हमारी जब भी वॉच आएगी यूजर या क्लाइंट को शो होगी तो वो एकदम क्या करेगी, सेंटर में आएगी। तो मैं इसको पहले पैक कर देता हूं लेबल डॉट पैक से और इसके अंदर लिख देता हूं इंश्योर और इसमें क्या कर देते हैं, सेंटर को असाइन कर देते हैं। ठीक है, सेंटर। इससे क्या होगा, हमारी जो भी क्लॉक होगी वो एकदम सेंटर में आएगी। अब हमारी ये क्लॉक की स्टाइल हो चुकी है तो मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखूं यार रेनबो, लिख देते हैं यार स्टाइलिंग द लेबल इट सो दैट क्लॉक विल लुक मोर अट्रैक्टिव। मतलब ये चीज हमने अपनी वॉच को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए की है। ठीक है, एक स्टाइलिंग का तरीका होता है अपनी कोडिंग में कि हम किस तरह से यूजर को शो करवाना चाहते हैं। यहां पर आप बहुत सारे चेंजेस करेंगे लेकिन फिलहाल में हम ये नहीं कर रहे हैं, आगे जब इसको रन करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके हिसाब से करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारा टाइम जो आएगा उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसको हैंडल करने के क्या करते हैं, हम यहां पर एक फंक्शन लिख लेते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन नहीं लिखते उसका टाइम नाम लिख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हमने यहां पर एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है टाइम और यहां पर हम जो भी काम करेंगे वो टाइम से रिलेटेड होगा। तो मैं यहां पर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा एसटीआरएफ टाइम है उसको ले आएंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको स्ट्रिंग में आपकी जो भी वॉच आएगी उसको हवर्स मीटर मिनट सेकंड्स में अलग अलग डिवाइड करना होगा ना, वरना वो इकट्ठा आ जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, परसेंटेज कॉलन और उसके बाद मिनट आएगी ना, तो परसेंट एम मिनट का एम और सेकंड के लिए परसेंटेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉरी 5 लिख दिया परसेंटेज। ये हो जाएगा हमारा क्या आएगा, टाइमिंग आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये टाइम आएगा तो इसको क्या करेंगे, इसका जो भी लेबल होगा उसको लाएंगे ना स्क्रीन पर। तो ठीक है, हम लेबल डॉट इसको कॉन्फिक, ये कॉन्फिक क्या करता है, अपनी फाइल को पूरी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यूज करने में मदद करता है। यहां पर क्या करते हैं, टेक्स्ट पास कर देते हैं टेक्स्ट नाम से। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे।
ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग पर ये वाला जो टाइम है इसको यहाँ पर ले आएगा। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो भी लेबल आएगा, सॉरी उसका जो भी लेबल आएगा उसको डॉट आफ्टर और क्या कर देंगे कुछ सेकंड या कुछ टाइम आप यहाँ पर दे सकते हैं, मान लीजिए 100, 1000 जो भी दे सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो भी देना। और साथ में हम हमारा टाइम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये इस फंक्शन को हमने यूज किया, ये भी हमें लिखना होगा ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इससे आपको पता अच्छा रहेगा। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले टाइम ऑन द लेबल, मतलब हमारे टाइम पर जो हम सॉरी यहाँ पर नहीं लेवल पर जो टाइम लाना चाहते हैं उसके लिए ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है, ताकि आप 10 साल बाद भी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना जो टाइम फंक्शन है पहले तो उसको कॉल करेंगे ना, तो अपना टाइम आ जाएगा स्क्रीन पर, देन अपने मेन लूप को चला देंगे तो ये मेन लूप चल जाएगा। अब इससे काम तो होना चाहिए। फिलहाल इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या कर दिया मैंने, डीबगर ओपन कर दिया भाई, मेरे को डीबग नहीं करना। हाँ स्टॉप कर दो उसको पुराने को और अब रन करो। क्या कर रहे हो भाई, ठीक है स्टॉप एंड रन। देखिए बहुत बढ़िया, हमारी डिजिटल क्लॉक आ चुकी है स्क्रीन पर, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। इसका साइज पहले तो मैं इंक्रीज करता हूँ। देखिए यहां से आपको मॉडिफाई करना है, मैं यहां पर कर रहा हूं 80 कर देता हूं। यहां से आप अपनी डिजिटल क्लॉक का साइज इंक्रीज कर सकते हो। देखिए बहुत बढ़िया, क्लॉक कोडेड विद अचे, यहां पर अपनी जो भी डिजिटल क्लॉक है उसका टाइटल आप सेट कर सकते हो आपके हिसाब से, आपको जो भी रखना है, ठीक है। देन उसका जो साइज है वो यहां से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। मतलब आप आपके हिसाब से मॉडिफाई करिए, मेरा काम तो आपको सिखाना। अब आपको जो जैसी डिजिटल क्लॉक चाहिए आप वैसी मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पर बहुत मॉडिफाई करना चाहते हैं आप, जैसे देखिए मैं यहां पर अगर परसेंट एस के बाद क्या करता हूं, परसेंट पी लिख देता हूं। अब आप बोलोगे परसेंट पी से क्या होगा, आप क्या करिए पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछिए कि परसेंट पी करता क्या है। तो मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखिए ये क्या कर रहा है, ए एम पी एम, मतलब आपके सिस्टम में जो चल रहा है वो डिफॉल्ट देगा। मतलब मैं यहां पर अगर मल्टी लाइन कमेंट में लिख दूं क्या, तो आपको यहां पर क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए परसेंट पी का यूज कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट में नहीं गया क्या ये भाई, मल्टी लाइन कमेंट में आ जाओ यार। इसको क्या चाहिए, इतना सारा लिख सकते हैं क्या अपन, यहां पर टाइम है इतना। मैं क्या करता हूं एक एक के नाम यहां पर लिख देता हूं, अब आपके हिसाब से यूज करना। देखिए परसेंट पी क्या करता है, अगर आपको एम पी एम चाहिए हो डेट के साथ तो वो कर सकते हो, अगर मंथ का नेम चाहिए तो आप यहां पर परसेंट बी करिए। देखिए मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये देखिए मंथ का नेम दिसंबर दे रहा है। अगर आपको और यहां पर चेंजेस करना हो, ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहां पर कंट्रोल यू कर दोगे तो इससे क्या होगा, बाकायदा आप इसको रन करिए। ये देखिए जो भी आपके दिन का नंबर होगा मंडे से स्टार्ट होकर वो दिन का नंबर देगा, जैसे आज ट्यूसडे तो ये फोर्थ नंबर पर आ रहा है, अगर और कुछ होता तो नंबर बढ़ जाता। अगर मैं यहां पर एम लिख दूं तो इससे क्या होगा, आपके मंथ का नंबर आएगा। देखिए मैं इसको अगर रन करता हूं तो देखिए अभी 12th मंथ चल रहा है। तो आई होप कि ये चीजें आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे। मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि यहां पर मल्टी लाइन कमेंट में लिख सकता हूं कि यहां पर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए परसेंट पी का यूज कर सकते हैं आप, परसेंट डी का भी यूज कर सकते हैं, परसेंट एम का यूज कर सकते हैं, उसके बाद परसेंट यू का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद परसेंट जेड भी होता है कुछ, क्या क्या होता है इनसे यूज क्या होता है ये आप आपके हिसाब से ट्राई करना। परसेंट बी होता है एक, उसके बाद परसेंट सी भी होता है, इसको मैंने दिया नहीं, परसेंट सी होता है, उसके बाद परसेंट एच भी होता है कुछ, देन यहां पर क्या होता है परसेंट टी, वो टेप प्रेस करने के लिए होता है, देन परसेंट वाई होता है। ये क्या कहता है, सिर्फ आपको ईयर्स, मतलब कौन सा ईयर चल रहा है, मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है तो ये आपको 2021 रिटर्न करके देगा, ठीक है। परसेंट एक्स क्या करता है, अगर आपको कंप्लीट डेट चाहिए हो तो ये रिटर्न करके देगा। उसके बाद अगर परसेंट आर लगा दोगे यहां पर तो ये क्या करेगा, जो 12 आवर का टाइम होता है ना वो आपको देगा। जैसे देखिए अभी हमारी जो डिजिटल क्लॉक है वो हमें 24 आवर्स के हिसाब से रिटर्न करके दे रही है आउटपुट स्क्रीन पर, मतलब 15, 59, 58,
ठीक है, और अगर 12 आवर्स के हिसाब से आपको टाइम चाहिए तो आप कंट्रोल परसेंट आर का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहां पर, सिंपली मॉडिफाई करना है। तो आप क्या करिए, यहां पर कोमा लगा दिए और ये जो परसेंट एम लिखा है इसकी जगह ये सारे एक एक बार ट्राई करके देखिए अपने हिसाब से, और इसमें से आपको जो भी रखना है आपके हिसाब से आप रख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक डिजिटल क्लॉक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, तो आई होप कि आपको ये कोडिंग समझ में आ चुकी होगी। आप क्या करिए, फिलहाल में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर पाइथन से रिलेटेड और गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर वेब डेवलपमेंट भी सिखाया जा रहा है अभी, और पाइथन के बहुत अच्छी हम बेसिक से स्टार्ट करके पूरी पाइथन को एंड तक यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को लर्न करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज़।